हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल। आज हम आपके सामने एक आईआईटी जैम के टॉपर से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया रैंक 40 हासिल की है इन आईआईटी जैम विद बायोटेक्नोलॉजी। सो हाय ध्रुव, हाउ आर यू? Yes, I am fine. First of all, I would like to thanks to Ed Uncle team that for giving me this opportunity to express my word in front of all of the students of all over the India. Thank you. Great. We also congratulate you for securing brilliant rank. And yes, definitely hard work always pays off. So it was really nice, and we feel really grateful that you are here with us. So okay, Dhruv, first of all, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उस टाइम पे लाइक व्हाट वाज योर पोजीशन, कि आपको डर था उस टाइम पे, मतलब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए थोड़ा सा। हाँ, जो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे जैम के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था। आईआईटी जैम क्या होता था ये भी मुझे नहीं पता था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसके बारे में जान लिया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर खरीदे, तो उसके बाद मैंने देखा तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये एमएसक्यू क्या है, नेट क्या है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मॉक टेस्ट खरीदा जाए पहले, क्योंकि तो मुझे बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो उससे मेरा डर भी कट जाएगा और मेरा प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो मैंने एड अंकल का नाम बहुत सुना था, तो उसके बाद मैंने एड अंकल से अपना मॉक टेस्ट किया, खरीदा, तो उससे सॉल्व करते करते मेरा प्रैक्टिस भी हो गया और मुझे क्या एमएसक्यू क्या है, नेट क्या है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी के बारे में पता चल गया। दैट वाज वेरी हेल्पफुल टू मी। ओके ग्रेट। सो मॉक टेस्ट आपने एड अंकल के आपने यूज किए हैं, मॉक टेस्ट वाज रियली हेल्पफुल एंड व्हिच इज अ गुड थिंग। और अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ डिड यू प्रिपेयर योर थ्योरी पार्ट? थ्योरी पार्ट को आपने कैसे प्रिपेयर किया? थ्योरी पार्ट को मैं जूलॉजी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा बायोलॉजी तो मेजर रहा होगा और मेरा जी में केमिस्ट्री था फर्स्ट ईयर में, तो बायोलॉजी तो कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन चल रहा था। और मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी बुक्स फॉलो किए थे, तो एनसीईआरटी से वो बहुत ही कॉम्पैक्ट बुक होता था, तो उससे मुझे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके आ गए और पढ़ने के भी तरीके आ गए। तो इसके मदद से मैंने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, और मैथमेटिक्स के लिए भी मैंने एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल फॉलो किया था। मुझे मैथमेटिक्स से थोड़ा डर लगता था, इसलिए मैं ज्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी करता था। ओके, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि आईआईटी जैम में फिजिक्स केमिस्ट्री से कितने न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स बहुत इजी था, तो मैथमेटिक्स के से प्रोबेबिलिटी एपीजीपी ट्रिगोनोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर से आया, और वहां पे जब कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आया वो बिल्कुल मॉक टेस्ट के पेपर से पूरा का पूरा कॉमन था, तो वो एक एडवांटेज था मेरे लिए। और जो बायोलॉजी था, बायोलॉजी के तो इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड स्पेशली मैं दो तीन टॉपिक बोलना चाहता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं आए थे, वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी जिससे दो क्वेश्चन आए थे, वो नहीं आता था प्रीवियस ईयर में, तो उसे मैंने डिफिकल्टी फेस किया वहाँ पे। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से जो क्वेश्चंस आए थे उसमें मैंने डिफिकल्टी फील किया। मेरा प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चंस रॉन्ग था, मैं वहां पर नेगेटिव खा गया, लेकिन मेरा बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी पर स्ट्रॉन्ग था, तो वहां पर मैंने फुल स्कोर किया, तो उससे मुझे एमसीक्यूज में थोड़ा बहुत मार्क्स आ गया था। और एमएसक्यूज में भी बोटानी से बहुत सारा क्वेश्चंस था, तो जो मुझे डिफिकल्ट लगा, तो बोटानी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया था लेकिन इस साल में आया, तो अगले बार क्या होगा कोई पता नहीं, तो बोटानी, इकोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी पढ़ लेना चाहिए। और बड़ी आते हैं केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज द मेजर ऑन द इन दिस पेपर 2022 पेपर एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे एक ही प्रॉब्लम आया था जो कि एमसीक्यूज में था, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से था, वो मैं नहीं कर पाया, लेकिन बाद में जो नेट में था वो मैं सॉल्व कर पाया था, ऑर्गेनिक से आया था और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया था। और फिजिक्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था, ज्यादातर टफ नहीं था, तो अगर फॉर्मूला सही से याद कर लिया जाए तो हो जाएगा, तो मैंने भी वही किया। तो फिजिक्स में मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ, तो ज्यादा तकलीफ मुझे हुआ था वही तो इकोलॉजी बॉटनी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। ओके, सो इट इज लाइक दिस के लास्ट ईयर तक जरूरी नहीं है कि लास्ट ईयर तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ, और जो जिन टॉपिक पे क्वेश्चंस ना आया हो वो आए ही ना, ऐसा नहीं है। अगर लास्ट ईयर तक बॉटनी के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आए हैं तो दैट मींस कि वो नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं, तो स्टूडेंट को प्रिपेयर रहना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, राइट? हाँ, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से तो क्वेश्चन से नहीं आता था, लेकिन इस साल आ गया, और दो, एक नहीं दो। ओके, ऑलराइट। सो ध्रुव, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट के बारे में। तो एमसीक्यू तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं क्योंकि चार ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक टिक करना है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल सिलेक्टिव, तो बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में जो कि थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मल्टीपल सिलेक्टिव आंसर को कैसे चूज करें, तो उसके बारे में आपको स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं। तो एक्चुअली जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन आप भूल जाए तो आपको नहीं कर सकते, तो ज्यादा से ज्यादा इससे याद करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लॉजिक नहीं लगा सकते, आपको याद करना पड़ेगा सारे थिंग्स, तो यही स्ट्रेटेजी है, याद कर लीजिए जितना हो सकता है। Great, great. And what about NATs? And NATs was fully based on your theory, from theoretical problems, based on mathematical problem, like biology से तो genetics का problem आता है, Hardy-Weinberg equilibrium का problem आता है, microbiology related problem आता है, जैसे कि bacterial growth, इस तरह का problem आता है, तो आप उससे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो बार तो आप आसानी से कर सकते, उसमें ज्यादातर परेशानी नहीं होगा, तो तो आप प्रैक्टिस करिए, वहां पर फॉर्मूला को याद कीजिए तो हो जाएगा। और केमिस्ट्री के लिए तो ऑर्गेनिक पोर्शन से था, और फिजिकल केमिस्ट्री के भी जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं, और फिजिक्स के तो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो अगर आप फॉर्मूला पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जैसे हम लोग पढ़ने बैठते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते टाइम हमें दूसरी चीजों के ख्याल आते हैं, है ना, कि अरे यार मेरा ये वाला काम रह गया, मुझे ये भी करना था, है ना, या फिर मेरे को ये चीज लेके आनी थी, अरे मेरी स्टेशनरी रह गई, मुझे पेन लाना था, या फिर ठीक है कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी हमारे दिमाग में चलता रहता है, तो वहां पे अपने माइंड को कैसे हम लोग फोकस करें? आपने कैसे अपना माइंड पूरा फोकस किया कि नहीं अभी मेरा टाइम पढ़ाई का है तो मैं बस पढ़ूंगा, बाकी की चीजें बाद में? ये पूरा फोकस करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, हम लोग ह्यूमंस है तो हमारा पूरा फोकस, हाँ कोई कोई कर सकता है, लेकिन मेरा पूरा फोकस नहीं था, लेकिन मैं ज्यादातर जब पढ़ाई करता था तो मैं वो ख्याल नहीं लाता था, मैं सोचता था कि पहले पढ़ाई कर लूँ फिर कोई जाऊंगा, ऐसे ही। Great. तो यानी कि आपने जो अपना टाइम शेड्यूल किया था हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि स्टडीज को कितना टाइम, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपने दिया है, सो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, तो जब सुबह का टाइम होता है वो मेमोराइजेबल करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उस वक्त में बायोलॉजी पढ़ता था, तो सुबह से लेकर मतलब मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, ज्यादातर सुबह नहीं उठ पाता, तो 8:30 से 9 बजे मैं 12:30 तक बायोलॉजी पढ़ता था, तो हमारे टाइम में कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, तो कॉलेज ज्यादातर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं सुबह तक बायोलॉजी पढ़ता था, उसके बाद शाम को मैं या फिजिक्स या केमिस्ट्री करता था, तो जिस दिन मैं फिजिक्स करता था पूरा फिजिक्स पढ़ता था, केमिस्ट्री करता था तो पूरा केमिस्ट्री पढ़ता था, और मैंने दो दो दिन से डिवाइड कर लिया था, मैं इस दिन फिजिक्स पढ़ूंगा इस दिन केमिस्ट्री, और एक दिन मैथमेटिक्स के नियम रख दिया था, एक दो दिन मैं मैथमेटिक्स करता था, और जो आखिरी दिन होता था वहां पर मैं पूरा रिवीजन करता था,
और रात को टाइम में मैं जस्ट एमसीक्यू सॉल्व करता था, जैसे कि मॉक टेस्ट, बीबीएससी और पेपर्स, ये सब मैं सॉल्व करता था। रात में नींद आते थे इसलिए मैं ये सब सॉल्व करता रहता। तो अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखें तो एक सब्जेक्ट कितने दिन में या फिर कितने लाइक कितने वीक में जो है कंप्लीट हो जाता है? लाइक सपोज कि अगर मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया या कोई स्टूडेंट है जिसने पहली बार आईआईटी जेएम की तैयारी शुरू की है, तो उसको वन टाइम पढ़ने में कितने वीक लग जाते हैं एक सब्जेक्ट के लिए? अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करो तो वो 11-12 के बेसिस में होता है, तो 11-12 में अगर आपका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन रह गया हो तो ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप अगर चाहे तो पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री एक महीने में ही खत्म कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए तो जस्ट फॉर्मूला ठीक सही से याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूलास को याद रखने के लिए नोट डाउन कर लीजिए आप सारे, और तो आपको वो भी अगर आप चाहे तो पूरा मैकेनिक्स एक महीने में सॉल्व कर सकते हैं। आप बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स है वो नहीं होते हैं, तो पूरा ऑनर्स लेवल का होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि तो वहाँ पर एक एक चैप्टर को खत्म करने में ही, जैसे कि अगर हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में हमारा एक महीना तो लग ही जाएगा, जैसे कि वहाँ पे आप फिजिकल केमिस्ट्री को पूरा का पूरा एक महीने में ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चैप्टर को ही सिर्फ खत्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो बायोलॉजी के लिए मैं कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा बहुत कम दे सकते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ता है स्टूडेंट, फिर जब वो नेक्स्ट चैप्टर और इस तरीके से आगे वो फ्रिक्वेंटली बढ़ता है तो उसको लगता है कि अरे मैं तो सब भूल गया, तो उस चीज को आपने कैसे टैकल किया? हाँ, तो जब पढ़ना शुरू करते हैं तो मैं क्या काम करता था, मैं एक पेंसिल लेकर बैठ जाता था, तो पेंसिल से मैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट करके करते करते जाता, तो जब भी मुझे लगता था मैं भूल जाता हूँ तो मैं जस्ट रिवाइज इट डाउन, जस्ट बुक को खोलता था, उस चैप्टर को खोलता था और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे मैं मेमोराइज कर लेता था, तो मेरे को पूरा सिलेबस ही याद, मैंने का पूरा चैप्टर ही याद हो जाता था, मैं यही करता था क्योंकि हाँ यह तो हो सकता है। ओके, सो कभी कभी क्या होता है कि जैसे एग्जाम की डेट्स आ रही है ना, एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है, तो उसमें कभी कोई लाइक न्यू चेंजेस आ गए हैं कोई भी, है ना, एग्जाम के पैटर्न में, तो उस चीज को फिर कैसे टैकल करते हैं? हाँ, हमारे एग्जाम पैटर्न में चेंज हो। हाँ, राइट। बोले बोले, अब बोले। यही कि उस टाइम पे क्या क्या लाइक माइंड में रहता है कि अरे नहीं, पहले मैं एडमिट कार्ड चेक कर लूँ या फिर पहले मैं फॉर्म भर लूँ, ये वाले चेंजेस आ गए हैं तो इसको किस तरीके से मैं पूछूँ, किससे पूछूँ, तो उस चीज के लिए हु इज द हेल्पिंग हैंड और कैसे आपने मतलब इस चीज को टैकल किया? तो हमारे टाइम में सिलेबस चेंज हो गया था, तो बहुत सारे नए टॉपिक्स ऐड हो गए थे, जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो बायोफिजिक्स के बहुत सारे पार्ट, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री के 10+2+3 के बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड हो गए थे, तो हम लोग थोड़ा बहुत परेशान हो गए थे कि क्या करना चाहिए, तो हम लोग अपने सर से सजेशंस लिए कि हमको क्या करना चाहिए, तो बोला कि धीरे धीरे सब कुछ करते रहो तो हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। वो 6 महीना का वक्त था हमारे पास, और जब फॉर्म फिलअप करने के लिए जा रहा था तब तो फोटोग्राफ के बैकग्राउंड को बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए था, मैंने डाल दिया था ब्लू बैकग्राउंड, तो वहाँ पे मेरा रिजेक्शन आ गया था, तो मैं डर गया था मेरा क्या होगा, तो जब उसे अपलोड करने का वक्त आया तो मैंने दोबारा अपलोड किया, तब वो जाके सही हुआ, तो वहाँ पर मेरे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, फिर एडमिट कट के बड़ी आई, कुछ मेरे दोस्तों को दूर का सेंटर मिल गए थे, सुबह उठकर जाना में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन लकीली मुझे नहीं मिला था, मुझे घर के पास वाले सेंटर मिल गए थे, तो ऐसे ही ये थोड़ा प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि मेरा अभी एग्जाम जस्ट आने वाला है और एग्जाम आने में सिर्फ 2-3 हफ्ते बाकी है, तो वो जो लास्ट मंथ के जो फाइनल प्रिपरेशन होती है या जो जिसको हम कहते हैं कि रिवीजन पूरा करना है सारे सब्जेक्ट्स का, तो वो जो एक मंथ का जो प्रेशर होता है वो कैसा रहा? आपको डर लगा या फिर आप कॉन्फिडेंट थे कि नहीं मेरा तो अच्छा रैंक से मैं पास करूंगा एग्जाम?
नहीं, डर तो सभी को लगता है क्योंकि पूरा नया नया एग्जाम है, पहली बार IIT एग्जाम दे रहे हैं, तो डर तो मुझे भी लगा। लेकिन मैंने लास्ट महीने में मैंने ज्यादातर प्रेशर नहीं लिया, मैंने जस्ट फॉर्मूला डिविजन्स किया और जो मैंने पेंसिल से हाईलाइट किए वो पोर्शंस पढ़ते गए, तो इस वजह से मेरे थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो गया। और हमारा एग्जाम्स भी था एग्जाम के पहले, IIT एग्जाम्स के पहले सेमिस्टर का एग्जाम, तो उससे थोड़ा बहुत तकलीफ हुई, तो ऐसे ही। So, how Eduncle help you with the journey that you have been from starting the exam to the AIR rank? हाँ, तो एड अंकल ने मैंने बहुत हेल्प किया। तो मेरे को, मैंने जैसे कि बताया, मेरा कोई भी आइडिया नहीं था IIT एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पर जो मॉक टेस्ट मैंने खरीदा वैसे ही मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था पहले, तो मैंने धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और जब मैंने कंप्लीट किया तो मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आ गया था कि हाँ, मैं अब अच्छा रैंक कर सकता हूँ, अच्छा स्कोर्स ला सकता हूँ। तो उसके बाद जब क्वेश्चंस, मैंने सारे क्वेश्चंस रिविजन करके गए थे लास्ट महीने में, तो जब मैंने टेस्ट पर बैठा तो मुझे कॉमन क्वेश्चंस भी मिल गए थे, जैसे कि था, मैं बताता हूँ, ओ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म, वो वाला नेट का जो क्वेश्चंस था। और एक नेट का क्वेश्चंस था जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से था, और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर एन 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट एन। तो वो भी कॉमन क्वेश्चंस था, तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया। और पैटर्न भी थोड़ा बहुत सिमिलर था, और हमारे एग्जाम्स के टाइम में पैटर्न पूरा चेंज हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो गया था, क्योंकि MCQs में एक भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का क्वेश्चन नहीं था, पूरा का पूरा बायोलॉजी था, सिर्फ एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़कर। तो ऐसे, क्योंकि मेरा मॉक टेस्ट में बहुत सारा प्रिपरेशन था, तो मैं उसे टैकल कर पाया था, तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ ग्रेट ग्रेट अंकल। सो यू हैव फाउंड दैट कि हमारा जो मटेरियल है वो जो एग्जाम का जो पैटर्न है उससे मैच करता है एंड दैट विल हेल्प दैट हाँ इज हेल्पिंग आवर स्टूडेंट्स अ लॉट एंड दैट हैज आल्सो हेल्प्ड यू अ लॉट टू सिक्योर योर गुड रैंक सो इज यस, देयर थैंक यू ध्रुव एंड इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर वाया एडंकल प्लेटफॉर्म कोई भी हाँ कुछ हाँ बोलिए बोलिए। भी ऐसी स्ट्रेटेजी या फिर एक होता है कि एक टॉप पॉइंट जो स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करना चाहें नहीं, ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, पेपर सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा। एक्सीलेंट सो थैंक यू ध्रुव फॉर द मीटिंग सो वी विल सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड डू योर बेस्ट